नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। दोस्तों, आज हम आपको बलिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 26 की सैर कराने वाला हूं, जहां सैर करने के लिए बहुत सारे नियमों का तो पालन नहीं करना है, लेकिन एक नियम का जरूर आप पालन कर लीजिए कि अपने पास रुमाल या गमछा जरूर रख लीजिए, क्योंकि एक ऐसा वार्ड है जहाँ से जिसके मुख्य पथ से आप जब गुजरेंगे तो ठीक सड़क के दाहिने साइड में एक इतना सड़ा हुआ पानी जमा हुआ है जिसे लोग कहते हैं कि ये पूरे मोहल्ले का पानी यहीं आकर के रुकता है। और ये आज से नहीं, बरसों बरस से नगर परिषद बलिया का शोभा बढ़ा रही है। कई चेयरमैन आए, चेयरमैन बदल गए, नए चुनाव हुए जिसमें डायरेक्ट चेयरमैन को चुना गया कि भाई विकास होगा, व्यवस्थाएं बदलेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन का भी अलग से चुनाव हुआ कि भाई व्यवस्था अलग होगी, लेकिन व्यवस्था आज भी वहीं रुकी हुई है जहां बरसों पहले थी। तो भला ऐसे में बलिया नगर परिषद का विकास आप किस नज़र से देखते हैं, जिस नगर परिषद में आज भी लोगों को चचरी के सहारे अपने घर तक जाना होता है और वो सड़े हुए पानी में आए दिन छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि उसी जल जमाव के पास, जहां आपको पानी भी अब नजर नहीं आएगा, नजर आएगा तो सिर्फ कूड़ा कचरा, सड़ा हुआ सड़े गंध आप महसूस करेंगे, और उसी पानी में, पानी के लेयर में प्याऊ को खड़ा कर दिया गया है, एक टावर लगा दिया गया है कि भाई शुद्ध जल हम आपको प्रस्तुत करेंगे। ये नगर परिषद बलिया का विकास है, और वो भी टावर ऐसा है कि अब वो झुक गया है क्योंकि नीचे पानी जमा हुआ है, और नीचे जो पानी जमा हुआ है तो ऊपर वजन है, लंबाई है, वो झुक गया है, वो कभी भी खतरे की घंटी है, कभी भी गिर सकती है। लोगों से जब इस बाबत बात की गई तो उन लोगों ने कहा कि भैया जीना मुहाल है हमारा, हम तो वोट दे दे करके थक गए, लेकिन इस सड़ांध से मुक्ति आज तक नहीं मिली। हमने इस संबंध में वहां के वार्ड पार्षद से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इससे संबंधित जब हम बलिया नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता के पास पहुंचे तो उन्होंने एक आश्वासन तो जरूर दिया कि आप वहां के वार्ड पार्षद से लिखवा करके यहां जमा कराइए, सदन चले ना चले ये अपनी जगह है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो उसको हम गंभीरता से जरूर लेंगे। और इसी उम्मीद से हम आज ये खबर भी आपको दिखा रहे हैं कि जरा ये सड़े हुए पानी को भी देख लीजिए और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी देख लीजिए और उस चचरी को भी देख लीजिए जिस चचरी के सहारे बलिया नगर परिषद की शोभा गूंज रही है, शोभायमान हो रही। आइए सुनते हैं कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं और वहाँ के वार्ड पार्षद क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? निकांत यादव। आप वार्ड पार्षद? जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। ये सर कह रहे थे कि आपके वार्ड में एक सड़ा हुआ पानी जमा रहता है, चचरी के सहारे लोग घर जा रहे हैं, ये नगर परिषद का विकास है क्या? विकास कैसे हुआ? विकास नहीं है, इसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जी सर, हम आगे बोल दिए वहाँ, जैसे अगला जो थे कार्यपालक महोदय उनको भी बोले सर मेरे यहाँ जो है सो क्या कहते हैं, एक स्वच्छता बना दिया जाए, उसी स्वच्छता के ऊपर सामुदायिक भवन बना दिया जाए, लोग उसको अतिक्रमण भी कर रहे हैं, वो सरकारी जमीन भी है, वो जो है सबका सदुपयोग हो जाएगा, बगल में पानी टंकी भी है, उसको भी साफ सफाई चाहिए। ये सब का मांग आप किए थे? जी, हम उसको कार्यपालक महोदय से कह दिए थे लेकिन हुआ नहीं। कितना देर दिन पहले कहे थे आप? कितना दिन, ये चुनाव से पहले जो कार्यपालक महोदय गए हैं, संतोष जी। जी संतोष जी, उन्हीं को कहे थे, नए वाले को नहीं बोले? जी नहीं, नए वाले को नहीं बोले। उसके बाद तो आचार्य संहिता लग गया। जी जी नहीं जी। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर एक स्वच्छता बन जाए जो कि पूरे गांव का पानी आकर के उसमें रहे और नाली सब का पानी वहीं जाके गिरे, और वहाँ पर एक सामुदायिक भवन बन जाए जो कि सब आदमी को फायदा, सामाजिक काम हो, सामाजिक काम। जी, नगर परिषद में कचरा का जो जमावड़ा लगा रहता है वार्ड नंबर 26,
और कई एक दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, आधार तक नहीं बना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, 200-300 की दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, क्या कहेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार। निश्चित तौर पर नगर परिषद बलिया की जो स्थिति धीरे धीरे नरकीय हो रही है, पहले भी खराब था लेकिन कुछ सुधार हुआ था, लेकिन वर्तमान स्थिति में मुझे लगता है कि कुछ वार्ड में बहुत ज्यादा उसके साथ या तो भेदभाव हो रहा है, या तो वहां समस्या को ध्यान दिलाने के लिए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहां के लोग या स्थानीय नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने वार्ड नंबर 26 की चर्चा की, वार्ड नंबर 26 लखमिया मनारी गाछी का क्षेत्र पड़ता है, मैं वहां बहुत बार गया। जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं, वहां पानी में बहुत कचरा, प्लास्टिक बहुत जमा हुआ है, चचरी के सहारे लोग उस पार जाते हैं, जान जाने का भी खतरा रहता है, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे निश्चित तौर पर गिरेंगे, बड़े आदमी का जब उसमें गिर सकते हैं तो बच्चे भी गिरेंगे, वहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार भी मैंने 2-4 बार जाके नगर परिषद में बोल के जेसीबी मंगवा के साफ करवाने का प्रयास किया, फिर से वही स्थिति हो जाती है। उसका समस्या का समाधान या तो वहां सोखता बन जाए या तो उसका कोई निकासी की व्यवस्था हो जाए, वो होना चाहिए। आपने दूसरा सवाल किया कि आधार कार्ड नहीं बन रहा है, जो उसी क्षेत्र के पीछे वाले क्षेत्र वार्ड नंबर 27 का जो कांटे गांव के पीछे डंडारी टोला, वो भी अपेक्षित है, वो भी वहां पर अभी तक वो शिकार है, मैंने वहां भी विकास ढंग से नहीं हो पाता है। आधार कार्ड नहीं बन रहा है, इसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आंशिक जानकारी है, मुझे लगता है जन्म प्रमाण पत्र में शायद परेशानी है, वहां नहीं बना है, चाहे शिक्षा का अभाव है, चाहे सूचना का अधिकार, सूचनाओं का अभाव हो, या लोग वहां के जागरूक नहीं है। हम सबों का नेक कर्तव्य बनता है, दायित्व है कि हम लोग वहां जाकर उसकी मदद करें। नगर परिषद चचरी के सहारे देखा जा रहा है, वार्ड 26 वगैरह बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहां छोटे छोटे बच्चे से अब 10 साल 12 साल की अवस्था हो गई, उनके पास आधार नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं है, कैसे चल रहा है ये नगर परिषद? नगर परिषद में जो अभी आपने 26 नंबर वार्ड की चर्चा की, वहां की वार्ड पार्षद एक महिला है और स्वर्गीय रविंद्र यादव की पत्नी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता भी। एक दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार चाहती है महिला सशक्तिकरण हो, लेकिन आज भी पुरुष प्रधान देश समझा जा सकता है इस बात से, क्योंकि 17 वार्ड पार्षद महिलाएं हैं नगर में, लेकिन उस परिस्थिति में कोई महिला मुखर होकर के अपनी बातों को रख नहीं पाती, अगर रखती भी हैं तो उनका सुना नहीं जाता। रविंद्र यादव की पत्नी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के कई एक बार सदन में अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया, यह दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद के जो मुख्य पार्षद हैं और नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनको यह बात सोचना चाहिए कि वह एक तो विधवा महिला है, दूसरी बात है कि हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो जब हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं तो फिर क्यों नहीं हम उनसे पूछे कि आपकी समस्या क्या है और उस पर विशेष रूप से जाकर करके उसका संज्ञान लिया जाए और उस समस्या का समाधान किया जाए। क्षेत्र से हम जीत के चले आते हैं, महिलाओं को जीत के भेजा देते हैं, और जाते हैं कौन, उनके पति जाते हैं, उनके भाई जाते हैं, उनके भतीजा जाते हैं, महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता है, महिलाओं की बात को सुना नहीं जाता है, वह खुद क्यों नहीं अपनी समस्याओं का समाधान के लिए सदन में अपनी बात रखते हैं। एक बात तो ये है, दूसरी बात आपने कहा कि जो समस्या अभी वर्तमान में बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, यह समस्या जटिल समस्या है, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं और शिक्षित हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, जिस वजह से आधार कार्ड का निर्माण नहीं हो पा रहा है, और जब आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो विद्यालय में नामांकन होना मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि आधार कार्ड को ही बेस मान कर करके आपके विद्यालय में बच्चे का एडमिशन होता है, और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है
उन बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है बच्चों। सड़े हुए पानी और चचरी के सहारे है नगर परिषद वार्ड 26। देखिए मैंने पहले भी कहा कि स्वर्गीय रविंद्र यादव की पत्नी प्रयास की सदन में जाकर के अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया, यह दुर्भाग्य की बात है। और मैं पुनः आग्रह करूंगा चेयरमैन साहब से और नगर के कार्यपालक पदाधिकारी से, व्यक्तिगत रूप से वह जाकर के उन समस्याओं को देखें और अविलंब उसका समाधान निकालें। क्योंकि अगर कोई महिला आपके पास आकर के गुहार, एक सामान्य बात आप मान लीजिए ना, हम उनकी बात छोड़ दीजिए, कोई अगर सामान्य महिला ही घर से निकल करके आपके सदन तक पहुंचती है, आपके ऑफिस तक, आपके कार्यालय में पहुंच करके यह कहना चाहती है कि हमारे घर के पास ये समस्या है, तो उसका निदान निकालना आपका काम है, और क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और वो तो सदन में आपके पास जो है जीता हुआ एक प्रत्याशी है और वो पहुंच रही है, वो कह रही है, उसके बावजूद भी ये समस्या का समाधान नहीं। हम मानते हैं कि वह पढ़ी लिखी नहीं हो सकती है, वह लिख करके नहीं दी होंगी, अपना मौखिक ही बात रखी होंगी, लेकिन यह पूरे सदन की जवाबदेही है, कोई एक व्यक्ति की जवाबदेही हम नहीं निर्भर कर रहे हैं कि चेयरमैन ने क्यों नहीं किया, कार्यपालक ने क्यों नहीं किया, पूरे सदन की यह जवाबदेही है, जितने भी सदस्य जीत के गए हैं, कि उनकी बात को मजबूती से उठाएं और उनके समस्या का समाधान करना चाहिए। नंबर वार्ड है 26। ये स्थिति कब से है ये चचरी वाला? लगभग 2-3 साल से चल रहा है। ये आपको नहीं लगता है कि बीमारी का घर है? सर क्या करें, हम मजबूर हैं, हम लोग साफ करने के लिए। क्या हुआ, सरकारें नहीं आता है साफ करने के लिए? नहीं आता है, नहीं। जमाल को भी बोले हैं, अरविंद यादव को भी बोले हैं, कोई सुनता नहीं। कोई नहीं सर सुन रहा है। आई जो पानी भी तो इसी सड़क के स्रोत से ले रहा सर, यही जा रहा है, यही से जा रहा है। वही पिला भी रहा है। बाजी वाह सर, इसमें फिल्टर भी नहीं लगा हुआ है। फिल्टर भी नहीं लगा? नहीं लगा हुआ है। अभी तो अब टूटने की स्थिति में, तो कखनो गिर जाएगा। ये तो धस गया। सर रहा नहीं जाता है, देखते हैं गाड़ी लगा लेते हैं आगो में। सर ये आपका घर है? जी सर मेरा घर है, किसी तरह गाड़ी लगा लेते हैं आगो में, किसी तरह हम जियेंगे। इतना ना महकता है ना सर, मेरा घर परिवार सब भागता है पीछे बोंडी। इस बात की शिकायत यहाँ के चेयरमैन से नहीं करते हैं? करते हैं सर, करते हैं, इलेक्शन में किए थे। हाँ बोले ठीक है होगा, लेकिन करते नहीं है। इसमें क्या चाहते हैं आप? इसमें सफाई सुथरा चाहते हैं सर, हम सफाई चाहते हैं। नगर पालिका है ये सर। जमीन किसकी है? नगर परिषद की? सरकारी जमीन है ना? सरकारी जमीन है ना? अच्छा इसको हम भरवा देते हैं। भरवाइएगा सर, तो फिर पानी बहने का जगह नहीं, आपका पानी तो इसको सोख्ता बनवाएंगे। हाँ बड़ा वाला सोख्ता बनाओ जी, सरकार के पास पैसे की कोई कमी थोड़े है। अच्छा आपको लगता है तुम तो युवक है, तुम बताओ कि इस सड़ांध में कैसे जिएगा आदमी? नहीं सर, तो बात सर है? खाना पीना, नहाना स्नान करना, गंदा गंदा कीड़ा इसमें पलता होगा, छोटा छोटा बच्चा अगर गिर जाए तो डूब के मर जाए, गिर गया है ना सर, आ जाता है गड्ढे में। जो पोता है मेरा वो डायरेक्ट गड्ढे में चलाता है, गिर जाता है खेलते खेलते। हाँ तो क्या करेंगे उसको, फिर उठा करके? कोई बंदोबस्त नहीं है यार, कोई बंदोबस्त नहीं, कोई सुनता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है कोई।